मेरी उम्र 83 साल की है और मैं अकेला रहता हूँ। परिवार था पर अब नहीं रहा, इस दुख के साथ जीता हूँ। खुशी हुई मुझे जब सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने का समय सीमित किया, ग्रीन क्रैकर्स और 2 घंटे का समय पटाखों के लिए निश्चित किया। दिल्ली की वो नेशनल हाईवे की दुर्घटना याद है, उसी एक्सीडेंट ने मेरे परिवार को किया बर्बाद है। अब चिढ़ होती है त्योहारों से, खास तौर पर दीपावली से, क्योंकि अब ये दीपों का त्योहार नहीं रहा, धुओं का त्योहार बन गया है। ऐसा नहीं कि मैंने पटाखे कभी ना जलाए, दीपों से ज्यादा तो मैंने रॉकेट से उड़ाए। 10,000 से ज्यादा के पटाखे मैं हर साल जलाया करता था, वो धूम धड़ाम की आवाजें सुन मैं झूम जाया करता था। सच कहूं पोते और बेटे से ज्यादा तो मैं पटाखे जलाया करता था। इससे ये साबित होता है कि मैं अपने परिवार का कातिल हूं, इस प्रदूषण की दौड़ में मैं भी शामिल हूं। पता है मेरा पोता 5 साल का था और वो पटाखों से बहुत डरता था, कुछ भी कर लो वो पटाखों को फेंक देता था। गुनेगार मैंने ही उसे पटाखे जलाना सिखाया। कोसता हूं आज खुद को कि मैंने उसे दीपक जलाना क्यों ना सिखाया। पर अब मैं हर त्योहार अपने नए परिवार के साथ मनाता हूं। हर महीने की 21 तारीख को मैं जगह जगह पेड़ लगाता हूं। अब कोशिश यही रहती कि 2 बच्चों को सही शिक्षा, एक्सेस पटाखे जलाना पर्यावरण के लिए नहीं है अच्छा। हाँ दुख होता है परिवार के ना होने का, पर गलती भी तो हमारी थी, अब क्या फायदा है रोने का। दीपों के साथ साथ दीपावली कला का त्योहार है, वो पटाखे 5 सेकंड की देती खुशियां पर अंदर से करता बीमार है। मैं पूछता हूँ क्या फायदा घर की साफ सफाई करके जब पर्यावरण को वापस से करना गंदा है। इंसान सच में हो चला अंधा है, इंसान सच में हो चला अंधा है। पटाखे जरूर जलाए मगर थोड़े ही जलाए, क्योंकि कुछ पल का सुकून भविष्य का कर देगा विनाश। और कहीं ना कहीं दीपों से खुश होते भगवान, क्योंकि प्रदूषण उन्हें भी ना आता रास। इस दीपावली पटाखे जरूर जलाएं, पर उससे ज्यादा दीपक जलाएं, और बच्चों को पटाखों की जगह दीपक और रंगोली से अवगत कराएं, और ऐसा करके अपने भविष्य को सुरक्षित रखें। हैप्पी दीपावली, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस, बी हैप्पी।